धार्मिक नगरी उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे का वह स्थान जहां पर भगवान श्री राम ने किया था अपने पिता का तर्पण, आज मकर संक्रांति पर वहां पर हो रहे हैं विशेष स्नान। मकर संक्रांति पर्व पर पुण्य शलिला सिप्रा नदी के राम घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अभी 22 तारीख को अयोध्या में राम जी का राम प्रतिष्ठा होने वाली है और आज आप यहाँ पर आए हुए जहाँ पर राम जी ने तर्पण किया था, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह में भी इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं आया था बिना सोच के भस्म आरती मुझे प्राप्त हुआ और मुझे सौभाग्य ये प्राप्त हुआ, मुझे भस्म आरती भी दर्शन करने को प्राप्त हुई और हर सिद्धि माता मंदिर गया तब भी मुझे आरती सौभाग्य प्राप्त हुई। तो इसका प्रत्यक्ष तो प्रमाण तो यही है कि सोच कर नहीं आया था और दोनों की आरती नसीब हुई। कोटा तो ये कोटा से श्रद्धालु थे जिन्होंने आज यहाँ पर पुण्य शलिला शिप्रा में डुबकी लगाई और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और साथ ही जब पूरा माहौल भक्तिमय हो, हर जगह राम नाम की धुन हो और उस समय राम घाट पर स्नान करना अपने आप में एक अलौकिक माना जाता है। ये आए में और भी श्रद्धालु बड़े हमारे साथ, कहाँ से आए आप? आज के दिन स्नान करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। मकर संक्रांति के पर्व पर सोमवार सुबह से लोग पवित्र नदी घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में लोग छिप्रा नदी के घाटों पर पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। रामघाट व त्रिवेणी पर स्नान के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। छिप्रा में नर्मदा का जल आने से दो पुण्य शलिला के जल में स्नान करने का लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवी। हम आए हुए आज उज्जैन के रामघाट पर सिप्रा नदी पर। जी हाँ, रामघाट, यहाँ नाम से ही बिल्कुल आपको लगेगा रामघाट मतलब भगवान राम अयोध्या में 22 तारीख को आने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली और हम रामघाट पर आए हैं। रामघाट यहाँ पर श्री राम भगवान के चरण पड़े थे। यहाँ पर वनवास काल के दौरान उन्होंने अपने पिता का दर्पण किया था, यहाँ पर आए हुए थे वनवास काल के दौरान, इसलिए इसका नाम रामघाट पड़ा है। और आज एक विशेष दिन है, आज यहाँ पर मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं पुण्य शलिला शिप्रा में अपने स्नान करने के लिए। और अधिक पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर गुरु महाराज मौजूद हैं, जो कि आइए हम जानते हैं आज के दिन का महत्व और श्री राम घाट का महत्व, कि श्री राम भगवान द्वारा क्या यहाँ पर किस प्रकार से आए गए थे। आज मकर संक्रांति धर्म का दिन है, हजारों वर्ष से यहाँ पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। अनेक भारतीय श्रद्धालु पूर्व में भगवान राम जी ने पूरा 14 वर्ष के बाद जब राज्याभिषेक होने के बाद में यहाँ पर आए हैं मकर संक्रांति के दिन, पिताजी जी का, माता जी का और समस्त गुरुओं का दर्शन किया था, प्रदान किए थे, इसीलिए नाम बदल जाती है मकर संक्रांति का नाम। तो यहाँ पर आए थे श्री राम भगवान जिन्होंने दर्शन किया था, आज के दिन यहाँ पर विशेष महत्व है दान पुण्य और स्नान का। आप देख रहे हैं इसके लिए नीलेश मालवीय। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।